हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेडिशनल पंजाबी गाजर गोभी और शलगम के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी। एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से, तो आप इसे बनाएं और फटाफट इसका यूज़ भी कर सकते हैं और एक बार आप इसे बना के करीब 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की खट्टी मीठी और चटपटी गाजर गोभी शलगम के अचार की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 250 ग्राम जितनी गाजर गोभी और शलगम। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें मूली भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी वेजिटेबल्स को आपको मोटा मोटा सा कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें। और ये देखिए, सबसे पहले हम जो गोभी है उसे काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको गोभी को मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद आप जो शलगम है उसे छील लें और इस तरह ही मोटे टुकड़ों में आप कट कर लें। और अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम जितनी ही गाजर ली है, इसे आप छील लें और इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लें। टुकड़े थोड़े मोटे ही रखने हैं आपको सारी सब्जियों के। सब्जियां कट करने के बाद आप गैस पर रखें पानी। एक बर्तन में करीब 4 से 5 ग्लास जितना पानी गर्म हो जाए तब आप उसमें डाल दें कटी हुई सब्जियां। फ्रेंड्स, गर्म पानी में डालने से क्या होगा, एक तो सब्जियां जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगी और दूसरी बात जो है, हम ये अचार है इंस्टेंट बनाकर तैयार करें तो थोड़ा सा गल जाएगा जल्दी, मतलब फटाफट से बनाने के बाद खाने लायक हो जाता है। तो ये अचार इसी तरह से आज हम इंस्टेंट बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए, हमने सारी सब्जियां इसमें डाल दी हैं और अगर आप चाहें तो इसमें मूली भी डाल सकते हैं। और पानी में बॉईल आ जाए एक, तो उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और स्ट्रेनर से स्ट्रेन करें, सूती कपड़े या कॉटन के किसी कपड़े पर इसे अच्छे से फैला दें और धूप में रखें 3 से 4 घंटे के लिए, पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। मसाले की तैयारी करते हैं। काफ़ी सारा लहसुन लिया है हमने, अदरक है, जीरा है, साथ में हमने लिया है लौंग और काली मिर्च के दाने जो होते हैं, और कलौंजी ली है, और पीली वाली जो सरसों आती है राई वो हमने ली है, 2 मोटी इलायची, विनेगर लिया है 2 बड़े चम्मच जितना, सफ़ेद वाला सिरका जो आता है, और नमक स्वाद अनुसार, अमचूर, देगी मिर्च पाउडर और गुड़ लिया है हमने यहाँ पर करीब 1 कप जितना। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गुड़ को जो थोड़े से टुकड़ों में तोड़ लें और इसके अंदर आप डाल दें विनेगर, उसे भिगो कर रख दें ताकि जो गुड़ है वो आसानी से सॉफ्ट भी हो जाएगा। और लहसुन जो है उसे आप अच्छे से कूट लें, आप चाहें तो मिक्सर जार का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप बनाएंगे इस तरह से तो ये जो लहसुन है वो अपना ऑयल रिलीज़ करता है और उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप इस तरह से कूट कर बनाएंगे। और साथ ही आप जो अदरक है उसे भी इस तरह से पीस लें। इस अचार में अदरक और लहसुन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डलता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब एक तवे पर आप डालें 2 चम्मच जितना जीरा और 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 मोटी इलायची, और इन मसालों को आप ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा कि जो इसमें अच्छा सा अरोमा आ जाता है और नमी हट जाती है। साथ ही आप इसमें डालें दालचीनी का टुकड़ा अगर आपके पास है, मैं यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े की बजाय दालचीनी का जो पाउडर आता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसे ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टुकड़ा डालते हैं तो उसे भी तवे पर ड्राई रोस्ट कर लें। मीडियम फ्लेम पर भूनना है आपको करीब 1 से 2 मिनट के लिए और इस तरह से हिलाते रहें ताकि ये मसाले हैं वो जले नहीं, गैस की फ्लेम तेज़ ना करें। और एक बार ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें हल्का सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपको इन मसालों को पीस लेना है। और जैसा मैंने आपको बताया, मिक्सर जार का यूज़ कर सकते हैं पीसने के लिए, लेकिन मैं ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ तो इसे हम इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का वो यही है, तो आप हो सके तो इस तरह से बनाएं, टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। ये हमने मसाला अच्छे से पीस लिया है, इसमें डाल दें 2 चम्मच इतनी पीली वाली सरसों, दालचीनी का पाउडर हमने यहाँ यूज़ किया है करीब 1/2 चम्मच इतना, और इन्हें भी हल्का सा दरदरा सा पीस लें। ये देखिए फ्रेंड्स, सूखे मसाले जो हैं उन्हें हमने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। अब इसी में आप डाल दें 2 छोटे चम्मच जितनी कलौंजी है और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है,
एक पैन में आप डालें करीब 4 चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल, और तेल को आपको तेज़ गरम कर लेना है, और तेज़ गरम होने के बाद गैस की ऑफ बंद कर दें, हल्का गुनगुना हो जाए तब आप वापस से फ्लेम जो है ऑन करें, और उसमें डाल दें आप लहसुन और अदरक, और इसे एक मीडियम फ्लेम पर ही करीब 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। अच्छे से खुशबू आने लगे, कच्ची स्मेल चली जाए, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तब तक आपको इसे भूनना है। और ये देखिए अच्छे से भून चुका है, और गैस की जो फ्लेम है वो आप मीडियम रखें, तेज आंच पर लहसुन जो अदरक है वो जल जाता है, और इसमें आप डाल दें जो गुड़ है जिसे हमने विनेगर में भिगो के रखा था, उसे डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। और याद रखिएगा गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, ये जो सारी प्रोसेस है आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। और ये देखिए इस तरह से स्पैचुला से आप मिक्स करते जाएं जब तक कि गुड़ प्रॉपरली मेल्ट ना हो जाए, अच्छे तरह से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मसाला भून चुका है, इसमें आप डाल दें नमक एज पर योर टेस्ट, और देगी मिर्च पाउडर इसमें डाल दें, देगी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है अचार में, और जो ये मसाला हमने रोस्ट करके दरदरा कूट के रखा था उसे आप इसमें डाल दें, और इन सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और ये सारे मसाले इसमें अच्छे से भून चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और यहाँ हमने जो सब्जियाँ धूप में सुखाने के लिए रखी थी उसे हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे डाल दें आप इस मसाले के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स गरम पानी में डालने से क्या होता है ना कि जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी गल जाती हैं, और ये अचार जो है हमारा फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है, और हल्की सी अगर नमी रह भी जाती है तो आप इस तरह से मसाले में डालने के बाद थोड़ा ज़्यादा देर तक इसे रोस्ट कर लें ताकि जो इसमें थोड़ी सी नमी होगी, पानी होगा, वो सूख जाएगा और अचार की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये अचार आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसे करीब 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रखें, और उसके बाद सेम प्रोसेस से आप ये अचार बनाकर तैयार करें। थोड़ा सा हमने इसमें फ्रेंड्स अमचूर पाउडर डाला है खटाई के लिए ताकि हमारा एक खट्टा मीठा सा अचार बनकर तैयार हो, और हमने इसमें विनेगर भी डाला है, गुड़ डाला है, तो हमारा यह टेस्टी सा खट्टा मीठा गाजर गोभी और शलगम का अचार बनकर तैयार है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो अचार और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, एंड नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।